Hello guys, welcome to my YouTube channel AV Teach, and today we are going to start our first poem, A Photograph by Shirley Tolson. So basically photograph hota kya hai? Photograph hame help karta hai hamari feelings ko yaad karne mein, hamare us important pal ko yaad karne mein jo ki beet chuka hota hai, aur hame photograph se na keval hame us event ka याद आता है बल्कि हमें उस इवेंट में हुई हर एक बात याद आ जाती है जो कि हमारी पास से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई होती है। इसीलिए हम फोटोग्राफ्स लेते हैं और उन्हें संभाल कर रखते हैं ताकि हम बाद में जब कभी भी उस फोटोग्राफ को देखें तो हमें उस पल की सारी बातें याद आ जाए। लेट्स बिगिन गाइज। सो फर्स्ट स्टैंजा में पोइट बताती हैं कि जो ये फोटो है वो उनकी माँ की फोटो है, और वो ये बताती हैं कि उनकी माँ बचपन में कैसी दिखा करती थी, और उस समय वो लगभग तकरीबन 12 साल की रही होंगी जब ये फोटो ली गई थी। और ये तस्वीर समुद्र के किनारे की है जिसमें वो अपनी दो कजन सिस्टर्स के साथ गई थी, और वो वहाँ पर पानी में छपछपा रही थी, और वो उनकी माँ लगभग उस समय 12 साल की रही होंगी, और जो उनकी दो कजन सिस्टर्स थी वो उनसे छोटी थी उम्र में। और वो ऐसे बताती हैं कि उस फोटो को देखकर कि उस समय शायद हवा चल रही होगी जिसकी वजह से उनके चेहरे बालों से ढके हुए थे और उनकी स्माइल उन बालों के नीचे दब रही थी, और वो वहाँ पे अपने अंकल को देख रही हैं जो कि उनका फोटो खींच रहे थे, और वो अंकल को देखते हुए मुस्कुरा रही थी। और फोटो देखकर पोइट कहती हैं कि उनकी माँ का चेहरा बहुत प्यारा लग रहा था, और ये फोटो तकरीबन जबकि है जब पोइट पैदा भी नहीं हुई थी। और वो तीनों लड़कियां समुद्र में खड़ी हुई थी और जो समुद्र का पानी था वो उनके पैरों को धो रहा था। और पोइट कहती हैं कि तब से अब तक समुद्र में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन हम सब की जिंदगियां पूरी तरीके से बदल गई हैं। और नेक्स्ट सेंजा में पोइट बताती हैं कि लगभग 20 या 30 साल बाद जब उनकी माँ ये फोटो देखती हैं तो वो हंसती हैं उस फोटो को देखकर, और वो पोइट से कहती थी कि ये देखो पैटी और डॉली को, और देखो हमने कैसे कपड़े पहने हुए हैं जब हम बीच पर गए थे। और वो उस फोटो को देखकर हंसती रहती थी, और वो बताती थी कि कैसे हम अपनी छुट्टियां मनाने के लिए बीच पर जाया करते थे, और वो अक्सर इस फोटो को देखकर अपने उस सी हॉलीडे को याद करा करती थी। और अब ये सारी बातें एक बीती हुई बातें रह गई हैं जो कि सिर्फ उस फोटोग्राफ में कैप्चर होके रह गई हैं। पोइट कहती हैं कि मेरी माँ अब उस सी के उस पास्ट हॉलिडे को दोबारा से नहीं महसूस कर सकती थी, उस खुशी को दोबारा महसूस नहीं कर सकती थी, वैसे ही जैसे मैं अपनी माँ की उस हंसी को दोबारा महसूस नहीं कर सकती थी जो बीत गई है, क्योंकि अब मेरी माँ नहीं रही है। और वो उन सब बातों को सोचकर बहुत दुखी होती हैं, और इसी से पोइट कहती हैं कि जैसे उस सी हॉलिडे मेरी माँ का पास था, वैसे ही मेरी माँ की हंसी मेरा पास था। पर उन सारी बातों को भूलकर अब पोइट और उनकी माँ दोनों आगे बढ़ गए थे। तो लास्ट स्टैंजा में पोइट बताती हैं कि उनकी माँ को मरे हुए लगभग उतने ही साल हो गए हैं जितने कि इस फोटो को लिए हुए हुए हैं, लगभग की 12 साल हो गए हैं उनकी माँ की मृत्यु को। और अब वो अपने आप को एक ऐसी स्थिति में पाती हैं कि वो ना कुछ कहने को बचा है ना कुछ करने को बचा है, और उनकी जिंदगी में बिल्कुल साइलेंस आ गई है, और वो अपनी उस सिचुएशन की खामोशी को किसी के साथ व्यक्त नहीं कर सकती, और जो उन्होंने अपनी जिंदगी में खोया है वो उसे अब कभी दोबारा नहीं पा सकती। इसीलिए वो अपनी इस सरकमस्टांस को बहुत दुखी मानती हैं जबकि उनकी माँ उन्हें छोड़कर चली गई हैं, और उनकी जिंदगी में सिर्फ ये फोटोग्राफ रह गई है जिसकी मदद से वो अपनी माँ के उस पल को याद कर कर खुश हो लेती हैं।
सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. वॉट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोटेड इन द पोएम? वाई हैज दिस वर्ड यूज हैज बीन यूज? तो इन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें पोएम में ये दिखाया है कि जो कार्डबोर्ड वर्ड है वो फोटोग्राफ के लिए यूज किया गया है, और उसमें दिखाया है कि उनकी माँ, पोइट की माँ कैसे उस फोटो में अपनी स्माइली फेसेस के साथ खड़ी है अपने कजन्स के साथ, जो कि लाइक अ नेचुरल सीनरी, जो बिल्कुल एक नेचुरल सीनरी की तरह दिख रहा है. इन द सेकेंड क्वेश्चन, वॉट हैज द कैमरा कैप्चर्ड? अब इसमें पूछा है कि उस कैमरे में क्या कैप्चर हुआ है. तो उसमें वो तीन लड़कियां कैप्चर हुई हैं, जिनमें की एक पोइट की मदर है, दो उनकी कजन्स हैं, और उसमें ये दिखाया है कि उनकी मम्मी ने कैसे ड्रेस पहनी हुई थी, कैसे वो ड्रेस्ड अप हुई हुई थी, और कैसे वो अपनी दोनों कजन्स के हाथ पकड़े हुए उस सी के बीचों बीच खड़ी थी. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वॉट हैज नॉट चेंज ओवर द ईयर्स? डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू? तो इसमें पूछा है कि समय के साथ क्या नहीं बदला. तो समय के साथ नहीं बदली थी वो थी सी. वो सी समय के साथ वैसी ही थी जैसी वो पहले दिखती थी. और इसमें ये भी सजेस्ट होता है कि दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि परमानेंट हो. उनकी माँ की स्माइल, वो सब चला गया समय के साथ. उनकी वो मेमोरी, वो सिर्फ उस तस्वीर में ही कैप्चर होके रह गई. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पोइट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट. वॉट डज दिस लाफ इंडिकेट्स? अब इसमें पूछा है कि उनकी मदर उस फोटो में हंस रही थी, तो इससे वो क्या इंडिकेट होता है? इससे उनकी जॉय एट रिमेम्बरिंग एन इंसिडेंट कनेक्टेड विथ हर पास्ट लाइफ. इससे ये पता चलता है कि उस फोटो से, उनकी हंसी से ये पता लगता है कि वो पास्ट लाइफ में कितनी खुश थी अपनी उस ट्रिप में जो कि वो बीच पे गई थी, और उस फोटो में वो कितनी यंग लग रही थी, बिल्कुल टेंशन फ्री, ना लाइफ की कोई टेंशन, ना कैरियर की कोई टेंशन, उन्हें किसी चीज की कोई टेंशन थी ही नहीं उस टाइम पे. सो आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन बोथ रे विद द लेबर्ड एज ऑफ लॉस? इस लाइन का क्या मतलब है? तो इस लाइन का मतलब है कि द पोइट एंड द मदर बोथ आर अनहैप्पी. अपने अपने दुखों से, अपने अपने खोई हुई चीजों से वो दोनों बहुत ज्यादा दुखी हैं. उनकी मदर अपने उस सी हॉलीडे को, अपने उस पास्ट को, अपने उस मेमोरेबल डे को याद करके दुखी है, और जो पोइट है वो अपने माँ की उस हंसी को याद करके दुखी है, क्योंकि पोइट को पता है कि वो हंसी अब उन्हें दोबारा देखने को कभी नहीं मिलेगी. सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज दिस सर्कमस्टांसेस रेफर्स? तो ये सर्कमस्टांसेस क्या रेफर करते हैं? ये सर्कमस्टांसेस पोइट की मदर की डेथ को रेफर करते हैं. एंड शी हैज नो स्नैपशॉट टू एक्सप्रेस हर फीलिंग्स. और उन्हें ये भी पता है कि उनके पास कोई ऐसी पिक्चर नहीं है जिसमें उन दोनों का कोई मेमोरेबल डे हो, या वो दोनों उसमें बहुत खुश लग रही हों. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द थ्री स्ट्रेंजर्स डिपेक्ट थ्री डिफरेंट फेजेस, नेम देम. अब जो तीन स्ट्रेंजर्स हैं, उन तीनों में अलग अलग लाइफ के स्टेज को बताया गया है. जैसे कि फर्स्ट में यूथ का बताया गया है कि उनकी मदर कोई 12 साल की थी, उनका स्वीट सा फेस था, एक गर्लिश वे में ड्रेसअप हुआ करती थी, ये सब. फिर जो मिडल एज आती है, उसमें बताया गया है कि वो 30 साल बाद उन सब यादों को याद करती हैं, मदर उस स्नैपशॉट को देखकर हंसती हैं कि कैसे वो घूमने गई थी, उन्होंने अच्छे कपड़े पहने थे, और वो उनका मेमोरेबल डे था. फिर लास्ट एज आती है डेथ, जिसमें कि उनकी मदर एक्सपायर हो जाती हैं, और शी हैज बीन नियरली एक्सपायर व्हेन द गर्ल लिव्ड. सो गाइज, ये थी हमारी पोयम अ फोटोग्राफ. होप आप सबको अच्छी लगी हो और आपको अच्छे से समझ में आया होगा. सो गाइज, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. ओके, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर.